आज जूनागढ़ के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में एलसीबी जूनागढ़ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मौलाना को प्रेजेंट किया था 2 से 2.25 के बीच में, और उसके साथ में उन्होंने 10 दिन की रिमांड क्लेम की थी, और उस रिमांड में 10 मुद्दे थे, 10 पेज की रिमांड एप्लीकेशन थी, और 10 मुद्दे वेरियस मुद्दे लिखे हुए थे कि हमको फिजिकल प्रेजेंस और फिजिकल कस्टडी किसके लिए चाहिए मौलाना की इंक्वायरी के लिए। तो दोनों को पक्ष को की, यानी सरकारी वकील और डिफेंस लॉयर हम तीन जो साजिद खान, शब्बीर शेख और मायसेल्फ, उन्होंने आर्ग्यूमेंट की, और जो उन्होंने की रिमांड एप्लीकेशन थी वो 10 दिन की थी, वो पूरी अलाउ नहीं करते हुए कोर्ट ने सिर्फ 20 घंटे की, यानी कि कल 4 बजे तक की रिमांड दी है, और अभी तक की जो भी कस्टडी मौलाना की है वो इनफ है, और जो भी फर्दर कस्टडी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहते हैं वो 4 बजे तक के लिए 10 दिन की रिमांड उन्होंने दी नहीं है। सर, ये जो एफआईआर दर्ज की गई है तो उसके अंदर इसका जो मेन पर्पस क्या है, वो किस बेस के ऊपर ये दर्ज की गई, उसके अंदर ये क्या दलील है? क्या दलील में एक्चुअली हम लोगों ने पहले ये बताया कि मौलाना को जब बॉम्बे से अरेस्ट किए तो अरेस्ट टाइमिंग में और अरेस्ट के दिन जो मैंडेटरी प्रोविजन सीआरपीसी के है और उसके रिगार्डिंग नामदार सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है उसके डायरेक्शन भी फॉलो नहीं किए और मैंडेटरी प्रोविजन भी फॉलो नहीं किए। हालांकि वो हमारी आर्ग्यूमेंट कोर्ट ने नकारी है, मगर हम लोगों ने जो बाकी के आर्ग्यूमेंट बोली कि जो 10 मुद्दे फिजिकल कस्टडी रिक्वायर्ड है वो किस लिए रिक्वायर्ड है वो सेटिस्फैक्टरीली आईओ ने बताया नहीं है, इसलिए इनको सेटिस्फैक्टरीली बताना चाहिए कि किस लिए 10 दिन की कस्टडी वो क्लेम कर रहे हैं। इस जो एफआईआर आपने जो बोला, एफआईआर के अंदर जो कंटेंट्स दिए हैं, जो वर्ड्स दिए हैं, उससे कोई इंडिया की कॉम उसको कोई हर्ट नहीं होता, उसकी कोई लागनी जो है वो तो, क्योंकि वो जो सेंस में जो बोले हैं वो इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो युद्ध चल रहा है और उसके अंदर 22,000 मुस्लिमों का जो कत्ल हुआ है, ये मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम प्रीचर है, और उनकी जवाबदारी आती है कि धार्मिक नेता तरीके इस्लाम का जहां जहां भी प्रॉब्लम होता हो उसके बारे में ये बोल सके, उस सेंस में उन्होंने बोला है, और एफआईआर इस तरह से ले ली है कि ये चौकस कौम को टारगेट करके बोला गया। हालांकि वो बोला ही नहीं है, वो ऐसे कौम के आगे नहीं है। सर, एफआईआर को लेके आपने क्या दलील की थी, ये पैलेस्टाइन वाला उधर पैलेस्टाइन वाला वो भी बोला है, और जो सेंस में उन्होंने जो बोला है और जो उन्होंने पर्पस बताया था कि ये जो नशा मुक्ति का प्रोग्राम था और अलग पर्पस पे ले गए धार्मिक मुद्दे पे, ऐसा नहीं था, जो नशा मुक्ति प्लस धार्मिक प्रोग्राम दोनों की परमिशन दी थी, बाकायदा परमिशन मामलतदार ने दी थी और उसकी परमिशन से ये प्रोग्राम हुआ है। आपका नाम शब्बीर शेख। और एक बात मैं ज्यादा ये बोलना चाहता हूँ कि अगर एफआईआर आप देखो, अगर एफआईआर आप देखो तो किसी रिलीजन के खिलाफ मौलाना ने अगर वर्ड्स यूज किया है ऐसा है ही नहीं। अगर एंटायर उनकी लेक्चर सुनोगे देखोगे तो किसी रिलीजियस का नाम नहीं लिया है जिससे उनका सेंटिमेंट हर्ट हो, ऐसा पूरे लेक्चर में नहीं है, मगर फिर भी ये जो एचआर में एफआईआर में सेक्शन लगाई है तो वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। थैंक यू।